Don't forget to subscribe my channel and must press the bell icon to get all notification of new videos. Thank you so much. Assalamualaikum, welcome back to my channel Art with Maha Muzammil. आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पॉट के अंदर कलर करना सिखाऊंगी वाटर कलर्स के साथ, कुछ थोड़ी बहुत उसकी टेक्निक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले तो जैसे मैं स्केच करती हूँ और उसको लाइट प्रेशर के साथ सारा रेज कर लेती हूँ, सारी लाइन्स नहीं रेज करनी है आपने, बहुत लाइट प्रेशर के साथ करनी है ताकि आपकी जो बेसिक लाइन्स हैं और जो आपने बेसिक स्केच बनाया है वो आपको पता चल जाए, यानी कि आप मेरी वजह से सारा कुछ ही रेज कर दें. बहुत लाइट प्रेशर के साथ आपने इसको रेज करना है. यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है ब्लू कलर और इसमें मैं इसका डार्क कलर और एक लाइट कलर लूँगी ताकि जहाँ पर मुझे जो स्टार्ट उसका बेसिक्स जो बेसिक पेंट होगा वो लाइट होगा. जैसे हमेशा से हम लाइट टू डार्क टोन पे जाते हैं. राउंड ब्रशेस सारे ले लिए मैंने यहाँ पर क्योंकि वाटर कलर्स के लिए मोस्टली राउंड ब्रशेस यूज़ होते हैं. उसके कुछ नंबर्स हैं, वो इट्स अप टू यू कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस साइज़ की है, तो आप उसके हिसाब से अपने ब्रशेस के नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बट डिटेल्स के लिए, लाइंस के लिए आपको जो है 0 नंबर का ही ब्रश यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे आप साइड पे कलर चेक कर लें कि आपका कलर एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा लाइट और डार्क है. दोनों कलर्स को पहले आप मिक्स कर लें, वाटर के साथ उसको आप बना सकते हैं. उसके बाद बेस जो हमारी बनती है, सबसे पहले हमें वाटर की लाइन लगानी होती है. जिस साइड पे वाटर का फ्लो होगा कलर्स भी उतने एरिया पे ही होगा, क्योंकि अगर तो आप स्कॉलर शीट यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने अपने मटेरियल वीडियोस में बता दिया है कि आपको कौन सी स्केचबुक लेनी है वाटर कलर्स के लिए, क्योंकि ये एक स्कॉलर शीट होती है या वाटर कलर स्केचबुक होती है जिसके पेजेस जो होते हैं वो थोड़े ग्रेन, एक साइड प्लेन होती है और एक साइड पे उसके छोटे छोटे उसमें से जो है वो ग्रेन्स होते हैं. तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मैं पहले एक वाटर की जो है वो लेयर लगा रही हूँ. उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि जहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगी कलर का, जस्ट ब्रश टच करूँगी बट कलर उसी एरिया पे जाएगा जहाँ तक पानी होगा. तो पहले आप लाइट कलर की लेयर करेंगे और देन आप उसको डार्क टोन्स में ऐड करेंगे. यहाँ पर जैसे कि पहले कुछ एक पोर्शन जो है मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साथ साथ आपको हर छोटे छोटे पोर्शन पे पहले वाटर लेयर करनी होगी, क्योंकि वो जो पेपर होता है वो वाटर सॉक भी कर जाता है, वो ड्राई भी हो जाता है. तो आपको साथ साथ जो है वाटर की लेयर लगानी है थोड़े थोड़े पोर्शन के ऊपर. अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जिस पोर्शन पे वाटर ऐड किया था, मैंने लेयर की थी, वहाँ तक कलर गया, उससे आगे नहीं गया. तो ये एक बेनिफिट है कि जिस जगह पे आपको जितने एरिया पे कलर करना है आप एक साइड पे उतना ही पानी लगाएं और उसके बाद उसमें कलर कर लें. फिर हम ये भी मिस्टेक करते हैं कि हम सारे पॉट पे एक ही दफ़ा, फॉर एग्जांपल या ड्राइंग पे एक ही दफ़ा वाटर की जो लेयर कर देते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली, जब आप एक आर्टिस्ट बन जाएंगे तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि अगर आपने पूरे ड्राइंग के ऊपर पानी की लेयर लगा दी और आप फिर उसके अंदर कलर्स करें, तो वो आपको ऐसा ऐसा वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में बता दी जाएंगी और आप उसको भी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी. पॉट का जो डिज़ाइन है उसकी बेसिक स्केच की जो है पिक्चर मेरा आपको पेज पे मिल जाएगी, फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी. लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम एज इट इज़ ही कोई पॉट बनाना है या सेम मेरे जैसा ही डिज़ाइन होना चाहिए या कलर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एग्जैक्ट सेम नहीं बनती है. तो आपने इसको अपने तरीके से बनाना है, जो आपको ईजी लगे, जो आपको ठीक लगे आपने वो करना है, जो आपके लिए स्टार्टिंग है. अगर आप एज ए बिगनर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इजी से स्टेप लेंगे, इजी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो प्रोफेशनल होते जाएंगे, तो आप जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट चीज़ हो फिर वो आपके लिए इजी होगी. तो यहाँ पर भी अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ कि जितने एरिया पर मैंने वाटर लेयर लगाई. अब वाटर लेयर के लिए आप कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता चलता कि हमने किस एरिया पर वाटर लेयर किया है. यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटा डिज़ाइन है, बारीक डिज़ाइन है, तो मुझे काफ़ी बारीक काम करना है और मैं उसके लिए बहुत बारीक जो है वो ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कभी कभी मैं अपना लाइनर ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ. वहाँ पर मैंने कलर
कलर के अंदर मतलब सॉरी पानी के अंदर ही लाइट सा ब्लू कलर लिया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने कितनी जगह पर पानी लगा दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा पेपर में और ब्लू कलर में, ज़्यादा कलर नहीं आपने ऐड करना, बस लाइट सा करना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस एरिया पे पानी आपने लेयरिंग उसकी कर दी हुई है। और यहाँ पे उसी तरह आप साथ साथ उसके एजेस को थोड़ा सा डार्क करते जाएं। एक आपने लाइट ब्रश का ऑलरेडी कलर बना, लाइट कलर का ऑलरेडी जो है वो कलर बना दिया था, तो एक ब्रश आपने उसके लिए रखना है और जो थोड़ा सा डार्क है दूसरा ब्रश आपने उसके लिए रखना है। और एक बिल्कुल प्लेन होना चाहिए जिसके साथ आप वाटर की लेयरिंग करेंगे, और नैपकिन होना चाहिए, कोई टिश्यू पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर एक्स्ट्रा वाटर या कलर जो है वो आप उसको साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आप लाइट के ऊपर डार्क के ऊपर साथ लाइट करते साथ ही अगर आप डार्क कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने में, उसको हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है ताकि आप अभी बेसिक्स है, स्टार्ट है, एज ए बिगनर अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की और वीडियोज़ भी मैं आप लोगों को कुछ दिनों में और अपलोड करूँगी, उसके अंदर मैं बताऊँगी कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है कलर मिक्सिंग क्या है, टोन्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब मैंने इसका जो एज जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा डार्क बनाया, क्योंकि अगर लाइट आ रही है एक साइड से तो उसका एक पोर्शन थोड़ा सा डार्क होगा, जिस तरफ लाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपने शेडोज़ को भी आपने देखना है कि किस जगह पे डार्क पेंट करना चाहिए, किस जगह पे लाइट करना चाहिए, किस जगह पे हाइलाइट्स होनी चाहिए। और इसी तरह आप इसमें वाटर लेयर करके और स्टेप बाय स्टेप सारा डिज़ाइन जो है वो आप कंप्लीट करें। डिज़ाइन अगर अभी आपका स्टार्ट है, आप इतना छोटा डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप थोड़ा सा कोई भी और डिज़ाइन बना सकते हैं जो थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन हो ताकि आपको कलरिंग करने में अभी ईजी रहे, क्योंकि एज अ बिगनर जो है आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास तौर पे वाटर कलर्स को कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं वाटर कलर्स, बट इनके लिए आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको हैंडल करने का। इस टेक्निक को वेट इंटू वेट कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कलर बना लिया था जिसके अंदर मैं ऐड करती जा रही हूँ। और जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मैं एक मैसेज दे दूं, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है और अगर आपको नहीं पता कि मेरे जो चैनल है और फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं, हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। ड्यू टू सम इशूज़ जो है वो स्किप कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, बट हम उसको दोबारा कंटिन्यू कर लिया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने पहले जो लेयरिंग की है वो बहुत ही लाइट कलर के साथ की थी, क्योंकि यहाँ का जो टेक्सचर है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो वाटर लेयरिंग जो है वो मैंने ज़्यादा करके और लाइट लाइट से ड्रॉप्स लगाए हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स लगाए हैं जो वो खुद ही उसको कवरेज कर लेते हैं, उस एरिया को कवर कर लेते हैं जहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ड्रॉप आपने बिल्कुल एजेस के बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं लगाना है ताकि वो उसके बाहर ना आ जाए, आपकी लाइन के बाहर ना आ जाए, तो उसको आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं अब इसकी आउटलाइन कर रही हूँ थोड़ा सा, इट्स अप टू यू, अगर आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपको आउटलाइन नहीं करनी है तो आप आउटलाइन के बगैर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये डिज़ाइन जो है वो आउटलाइन के साथ ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी डार्क कलर के साथ, इसी वाटर कलर के डार्क कलर के साथ जो, या दोनों को कलर्स को मिक्स करके भी, या थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके भी इसकी आउटलाइन कलर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए किया है क्योंकि एक ही चीज़ थी जो मैंने आपको डिटेल में बतानी थी वो मैंने बता दी, और उसको मैं ज़्यादा लंबा या बोरिंग नहीं करना चाह रही थी। तो वाटर कलर की जो टेक्निक्स हैं, आगे और भी काफ़ी वीडियोज़ आएंगी, उसमें भी मैं काफ़ी कुछ बताती जाऊँगी आप लोगों को। और यहाँ पर कुछ इसका हाईलाइटेड एरिया भी बनाना है, और अब आप देखें इसका मैंने फुल जो पोर्ट है उसके ऊपर एक दफ़ा वाटर लेयर कर दिया है ताकि जो थोड़ी बहुत स्पेस थी जो कवर नहीं हुई थी वो भी कवर हो जाए। अगर आपके पास आपने ज़्यादा पेंट लगा दिया है, अगर वो फैल गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको टिश्यू के साथ, नैपकिन के साथ उसको उसी टाइम साफ़ कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं ताकि आपका जो कलर फैला था वो उसी टाइम साफ़ हो जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आपका डार्क हो गया है तो आप उसको वाइट एक्रेलिक पेंट के साथ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं। और ये हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और बाकी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी आप लोगों के लिए लिंक्स हैं अगर आप न्यू बिगनर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।